तो स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट पेपर 3 जून 2013 का। जून 2013 पेपर 3rd जो पेपर था, एकल संचार में मीडिया के अनुक्रमिक अथवा सहकालिक प्रयोग को कहते हैं, क्या कहते हैं? कंप्यूटर सहायताकृत शिक्षा, बहुमीडिया शिक्षा, प्रौद्योगिकी की सहायता से प्राप्त शिक्षा और वेब सहायता प्राप्त शिक्षा। तो देखिए, एकल संचार में मीडिया के अनुक्रमिक अथवा सहकालिक प्रयोग को हम लोग बहुमीडिया शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुमीडिया। दृष्टि दोष ग्रसित मगर अंधापन ना हो, ठीक है, विद्यार्थियों के लिए लाभदायक प्रौद्योगिकी है। क्या है? पहला है सॉफ्टवेयर जो प्रत्येक वस्तु को 2 से 16 गुना बड़ा करता है, ठीक है। दूसरा है हस्त मुक्त कीबोर्ड, टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर और स्पर्श स्क्रीन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो प्रत्येक वस्तु को 2 से 16 गुना बड़ा करता है, ठीक है। यानी दृष्टि दोष ग्रसित मगध अंधापन ना हो विद्यार्थी के लिए सॉफ्टवेयर जो प्रत्येक वस्तु को 2 से 16 गुना बड़ा करता होगा। नेक्स्ट, अध्यापक व्यवहार के वर्गीकरण का विकास किसके द्वारा होता है? कार्यशाला, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अनुरूपता प्रशिक्षण या सूक्ष्म शिक्षण। तो बताइए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अनुरूपता प्रशिक्षण, ठीक है। अनुरूपता अध्यापक व्यवहार के वर्गीकरण का विकास अनुरूपता प्रशिक्षण के द्वारा करता है या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणी बालक का लक्षण नहीं है? पहला है उच्च बुद्धि, उच्च उपलब्धि, आलोचनात्मक विश्लेषण और पुष्टिवादी दृष्टिकोण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पुष्टिवादी दृष्टिकोण। यानी कौन सा गुणी बालक का लक्षण नहीं है? पुष्टिवादी दृष्टिकोण गुणी बालक का लक्षण नहीं है, लेकिन क्या क्या है? उच्च बुद्धि, उच्च उपलब्धि और आलोचनात्मक विश्लेषण, ये तीनों जो है उच्च बालक की उपलब्धि है। निम्नलिखित में से बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी बुद्धिमान बच्चे सृजनशील होते हैं, सभी सृजनशील बच्चों की उच्च बुद्धि होती है, कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है, कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि निम्न होती है। तो इसमें आपको कौन सा सही लग रहा है? देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि उच्च होती है। निम्नलिखित में से क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से बुद्धि और सृजनात्मकता के संबंध में कुछ सृजनशील बच्चों की बुद्धि लब्धि क्या होती है? उच्च होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परीक्षण की वैधता से संबंधित है? मापन की त्रुटि, सत्य प्रवक्ताओं का प्रश्न, सामान्य कारकों का प्रश्न या दृष्टिक्षिक त्रुटि। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? या दृष्टि सामान्य कारकों का प्रश्न, ठीक है। यानी कौन सा कथन किसी परीक्षण की वैधता से संबंधित है? सामान्य कारकों का प्रसरण जो है वो क्या है? किसी वैधता से संबंधित है। एक सामान्य शिक्षण उद्देश्य लिखते समय सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्रिया होगी क्या? कहता है, नाम बताता है, पहचान करता है, विश्लेषण करता है। तो इसका जो आंसर होगा होगा विश्लेषण करता है। यानी एक सामान्य शिक्षण उद्देश्य लिखते समय सबसे उपयुक्त कार्यवाही क्रिया विश्लेषण करता है होगा। अध्यापक शिक्षा के लिए IASE किस वर्ष प्रारंभ किए गए? ठीक है, सन 1964, 68, 86, 92। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सन 1992। कब हुआ था? सन 1992 में अध्यापक शिक्षा के लिए IASE जो है 1992 में प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अभिक्षमता के लिए सही नहीं है? तो लंबे अनुभव द्वारा विकसित भावी व्यवहार के लिए क्षमता का मापन व्यवहार के सीमित पहलुओं से संबंधित या पूर्व अभिगम या शिक्षा का परिणाम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा पूर्व अभिगम
या शिक्षा का परिणाम, ठीक है, पूर्व अभिगम या शिक्षा का परिणाम जो है विशिष्ट अभिक्षमता के लिए सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अभिक्षमता के लिए सही नहीं है। तो देखिए, विशिष्ट अभिक्षमता के लिए जो सही नहीं है वो क्या है, लंबे अनुभव द्वारा विकसित भावी व्यवहार के लिए क्षमता का मापन व्यवहार के सीमित पहलुओं से संबंधित या पूर्व अभिगम या शिक्षा परिणाम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, पूर्व अभिगम या शिक्षा का परिणाम, है ना। यानी विशिष्ट अभिक्षमता के लिए जो पूर्व अधिगम अभिगम या शिक्षा का परिणाम ये क्या है, सही नहीं है। लेकिन लंबे अनुभव द्वारा विकसित भावी व्यवहार के लिए क्षमता का मापन और व्यवहार के सीमित पहलुओं से संबंधित, ये तीनों आवश्यक है। व्यापक मार्गदर्शन कार्यक्रम में आने वाले सोपान कौन से हैं, निम्नलिखित में से सही क्रमबद्ध सोपान का चयन कीजिए। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डी, यानी व्यक्ति को स्वीकार करना, समस्या को समझना, समस्या पर विचार, कार्यवाही करना और संप्रेषण, ठीक है। यानी व्यापक मार्गदर्शन कार्यक्रम में आने वाले सोपान, व्यक्ति को स्वीकार करना, समस्या को समझना, समस्या पर विचार और कार्यवाही करना और फिर संप्रेषण करना, यही है, ठीक है। नेक्स्ट है, मार्गदर्शन क्या है। तो देखिए, मार्गदर्शन क्या है, एक व्यक्ति की ऐसी व्यवस्थित ढंग से सहायता करना कि वह अपनी समस्याओं को दूर कर सके, ठीक है। एक व्यक्ति को उसे स्वयं को, उसकी आवश्यकता और उसके पर्यावरण को समझने में सहायता देना, एक बच्चे को भटकने से बचाने और उसे अधिक अंक प्राप्त करने में सहायता देना, मानसिक गड़बड़ी वाले व्यक्ति को मंद बिजली के झटके लगाना और उसके मसल्स को सक्रिय करना। ऐसे ऑप्शंस देते हैं जो ऑप्शन से ही पता चल जाता है नहीं होगा। तो जैसे देखिए, 4 नंबर के जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, 3 नंबर का भी सही नहीं था, ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी मार्गदर्शन क्या है, व्यक्ति की ऐसे व्यवस्थित ढंग से सहायता करना कि अपनी समस्या को दूर कर सके और व्यक्ति को उसे स्वयं को, उसकी आवश्यकता और उसके पर्यावरण को समझने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक व्यापक है। तो देखिए, व्यवहार के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक शिक्षा के सामाजिक आधार हैं। क्या हैं, शिक्षा के सामाजिक आधार जो है वो व्यवहार के क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसके प्रथम अध्यक्ष प्रोफेसर SS भटनागर थे। कौन थे, प्रोफेसर SS भटनागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर PDF थोड़ा सा सही नहीं है, संवेगों को प्राय नियंत्रित करती है। देखिए, संवेगों को कौन नियंत्रित करती है, परिधीय तंत्रिका प्रणाली। संवेगों को जो नियंत्रित करती है वो परिधीय तंत्रिका प्रणाली है। सत्य की प्रकृति मूलतः समस्या है। सत्य की प्रकृति मूलतः ज्ञान मीमांसा के लिए समस्या है। सत्य की प्रकृति किसके लिए, ज्ञान मीमांसा के लिए, कानून के लिए, नैतिकता के लिए और मूल्य मीमांसा के लिए नहीं होगा। सोलेमन 4 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकी परीक्षणों में से एक कौन सा है। तो देखिए, इसमें सहसंबंधात्मक विश्लेषण बोल रहा है, 1-way अनुभव, काई स्क्वायर, मध्यवर्गीय परीक्षण। तो इसका आंसर होगा 1-way अनुभव, ठीक है, 1-way अनुभव। सोलेमन फॉर एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में प्रयुक्त होने वाले सांख्यिकी परीक्षणों में से एक है, ठीक है। पी टेस्ट, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, रैंडमाइज्ड मैचिंग कंट्रोल ग्रुप डिज़ाइन एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, 2 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का। किसका है, 2 एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की रचनात्मक और शब्द रचना मूल्यांकन में क्या अंतर है। तो देखिए, इसमें जैसे दिया हुआ है, रचनात्मक मूल्यांकन को पाठ्यक्रम के बीच में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और फीडबैक मुहैया कराने के भाग के रूप में समझा जाता है। तो देखिए, सही है, रचनात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम के रूप में ढांचे से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, कि रचनात्मक पाठ्यक्रम के ढांचे से, तो यहाँ पर ऑप्शन कट गया,
नेक्स्ट शब्द रचना मूल्यांकन महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए पाठ्यक्रम के अंत में संपूर्ण पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर विचार करता है, भी सही है। रचनात्मक मूल्यांकन और शब्द रचना मूल्यांकन एक दूसरे के पूरक है। इससे इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो 4 होगा, 1, 3 एंड 4, 2 गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की विभिन्न संकल्पनाएँ क्या हैं? देखिए, पाठ्यक्रम की विभिन्न संकल्पनाएं क्या हैं? पहला, अनुभव, विषय, उद्देश्य और शिक्षण। तो ये तीनों ही हो जाएगा, यानी अनुभव, विषय और उद्देश्य, ये तीनों पाठ्यक्रम की संकल्पनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधि जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल और निपुणता की श्रेणी को पढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो किसका आंसर होगा? टीम चर्चा। क्या होगा? टीम चर्चा। एक विधि जिसमें बहुत से अध्यापकों के कौशल और निपुणता के सीनियर को पढ़ाने के लिए एक साथ जुटा लिया जाता है, उसे कहते हैं टीम चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रतिष्ठान कहाँ पे है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रतिष्ठान कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा पेरिस, ठीक है। कहाँ पे है? तो पेरिस पे है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकतंत्र में शासक शासन कौन करता है? तो देखिए, लोकतंत्र में शासन कौन करेगा? मंत्री, नेता, लोक, नौकरशाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोक। सृजनात्मकता के जनक हैं, सृजनात्मकता के जनक कौन है? टोरांस ईपी। कौन है? टोरांस ईपी सृजनात्मकता के जनक है। बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में बौद्धिक विकास की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो जो बौद्धिक विकास की विशिष्टता नहीं है वो है भविष्य के लिए चिंता, ये नहीं है, लेकिन काल्पनिक भयों का अंत, ठीक है, काल्पनिक भयों का अंत, वैज्ञानिक गल्प में उच्च अभिरुचि और तार्किक शक्ति में वृद्धि, ये तीनों बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में बौद्धिक विकास है। निम्नलिखित में से किसका मूल्यांकन निबंधनात्मक प्रश्नों द्वारा नहीं हो सकता? ठीक है, निबंधनात्मक प्रश्नों द्वारा बोल रहा चिंतनात्मक कौशल का, ठीक है, व्यापक विषय वस्तु का ज्ञान, उपयुक्त तर्क शक्ति और किसी घटना का विस्तृत वर्णन। तो बोल रहा है कि मूल्यांकन निबंधनात्मक प्रश्नों से नहीं किसका हो सकता है? व्यापक विषय वस्तु का ज्ञान जो है निबंधनात्मक प्रश्नों से नहीं हो सकता है, लेकिन चिंतनात्मक कौशल, उपयुक्त तर्क शक्ति और किसी घटना का विस्तृत वर्णन इसका हो सकता है। निम्नलिखित में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था? कौन सा आयोग था जो केंद्रीकरण किया था? तो देखिए, इसका जो आंसर होगा वो होगा हंटर आयोग। क्या हो जाएगा? हंटर आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था। इसने किया था, हंटर आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2011 जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में आदमियों और औरतों की साक्षरता दर में अंतर है, कितना का अंतर है? 17% का। कितना का? 17% का। नेक्स्ट है, वेश्यल आयु किसके मूल्यांकन से संबंधित है? वेश्यल आयु जो है बुद्धि से संबंधित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, किसी महिला क्लब के सदस्य, अपराधी, बूढ़े, बीमार व्यक्ति और कॉलेज विद्यार्थी, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए, किसी महिला क्लब के सदस्य, ये इसका क्या हो जाएगा? किसी महिला क्लब का सदस्य का होगा अवकाश मार्गदर्शन, ठीक है, यानी ए का जो है 5 हो जाए, ए का जो है वो 5 हो जाएगा, ठीक है, 1 का 5 होगा। उसके बाद आपका क्या है? अपराधी, ठीक, अपराधी का क्या हो जाएगा? अपराधी का हो जाएगा नैतिक, उसको क्या कैसा मार्गदर्शन चाहिए? तो नैतिक मार्गदर्शन अपराधी को देना पड़ेगा। बूढ़े बीमार को क्या चाहिए? स्वास्थ्य मार्गदर्शन देना पड़ेगा। और कॉलेज विद्यार्थी को क्या देना पड़ेगा? व्यावसायिक मार्गदर्शन देना पड़ेगा। यानी इस हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा के संबंध में कोठारी आयोग द्वारा सिफारिश की गई नीति है, तो कोठारी आयोग द्वारा जो की गई थी वो है त्रिभाषा सूत्र। फ्रेंड्स, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन गुण को अभी निर्धारित कीजिए, प्राचीन गुण को भी निर्धारित कीजिए। आंसर क्या होगा? इसका होगा संघर्ष। क्या होगा? संघर्ष। अग्रलिखित में से किस राज्य में अपना मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है? कहाँ पे अपना मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है? ओडिशा में नहीं है, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में,
क्या है, है अगर विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय बिहार असम पश्चिम बंगाल में है लेकिन ओडिशा में नहीं है। शिक्षा अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था? शिक्षा अधिकार अधिनियम को 1 मई 2010 को लागू किया गया था। कब? 1 मई 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुधैर्य अध्ययन एक प्रकार का होता है, तो अनुधैर्य अध्ययन एक प्रकार का जो होता है वो क्या होता है? विकासात्मक अध्ययन होता है। क्या होता है? विकासात्मक अध्ययन। उसके बाद क्वेश्चन है एथनोमेथोडिकल अध्ययन, एथनोमेथोडिकल अध्ययन क्या है? तो देखिए एथनोमेथोडिकल अध्ययन एक सामाजिक शोध है। क्या है? सामाजिक। पाठ्यक्रम के टाइटल के मॉडल के घटक क्या क्या हैं? तो क्या क्या हैं? प्रयोजन, शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी प्रबंधन और लक्ष्य का सत्यापन। पाठ्यक्रम के टाइटल के मॉडल के घटक हैं प्रयोजन, शैक्षिक अनुभव, अनुभव का प्रभावी प्रबंधन और लक्ष्य का सत्यापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विअर्थी शब्दों से संवाद में आया अवरोध है। क्या है? संवाद में शब्दार्थ अवरोध। क्या होगा आंसर? संवाद में शब्दार्थ अवरोध। शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम स्वरूप कैसा हो? शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम स्वरूप जो है प्रजातंत्र, प्रजातंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रजातंत्र, यानी ऑप्शन सी होगा। अधिकांशतः गेस्टल्टवादी अधिगम सिद्धांत आधारित है। गेस्टल्टवादी किस पर आधारित है? एकाग्रता, बोध, ध्यान या अंतर्निरीक्षण। तो देखिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? बोध हो जाएगा। किस पे आधारित है? बोध पर। अधिकांशतः गेस्टल्टवादी अधिगम सिद्धांत बोध पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन हैं? बुद्धि लब्धि के कौन हैं? तो अल्फ्रेड बीनेट, ये होगा क्या, या क्या होगा देखिए, या जे पी गिलफोर्ड, या जे एस ब्रूनर, या विलियम स्ट्रेन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? होगा विलियम स्ट्रेन। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। विलियम स्टेन जो है बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक थे। कौन थे? विलियम स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है? तो देखिए इसमें पहला है समस्या समाधान, ठीक है, दूसरा है उच्च विश्वसनीयता स्तर, अंक प्रदान करने में वस्तुनिष्ठता और व्यापक विषय वस्तु का फैलाव। तो जिसका आंसर होगा वो होगा समस्या समाधान। समस्या समाधान किसी वस्तु का वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा किसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है? तो समस्या का समाधान का नहीं हो सकता है, बाकी उच्च विश्वसनीयता स्तर, अंक प्रदान करने में वस्तुनिष्ठता और व्यापक विषय वस्तु का फैलाव, ये सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, अध्यापक शिक्षा के शिशुच्छुक कार्यक्रम में प्रदान किया जाता है, क्या प्रदान किया जाता है? विषय विस्तृत पाठ्यक्रम, व्यावहारिक पाठ्यक्रम, संपूर्ण विद्यालयी पाठ्यक्रम या अनुसंधान पाठ्यक्रम। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा होगा सी, संपूर्ण विद्यालयी पाठ्यक्रम। अध्यापक शिक्षा के शिशुच्छुक कार्यक्रम में संपूर्ण विद्यालयी पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में शिक्षा संबंधी प्रथम राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष लागू किया गया? तो इसको जो लागू किया गया किस वर्ष किया गया? सन 1968 में स्वतंत्र भारत में शिक्षा संबंधी प्रथम राष्ट्रीय नीति को लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है MMPI का संबंध है बुद्धि, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व या मानसिक आयु। तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व। MMPI का संबंध व्यक्तित्व से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साक्षरता को विद्यार्थी की समस्या की गहनता जानने के लिए सर्वोत्तम साधन क्यों माना जाता है? ए है परामर्श साक्षरता में परामर्शदाता और परामर्श लेने वाला एक दूसरे के पूर्वक होते हैं। बी में है इससे विद्यार्थी की
समस्या के संबंध में प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है। सी में है विद्यार्थियों के साथ साक्षात्कार का आयोजन और साक्षात्कार करना बड़ा आसान है, साक्षात्कार की वीडियोग्राफिंग की जा सकती है। तो देखिए इसमें जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका साक्षात्कार को विद्यार्थियों की समस्या की गहनता जानने के लिए सर्वोत्तम साधन क्यों माना जाता है, क्योंकि इससे विद्यार्थी की समस्या के संबंध में प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण एक प्रकार का सामाजिक परिवर्तन है जिसमें समाज हो जाता है, जिसमें आधुनिकीकरण में समाज अधिक खुला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शोध कार्य विवरणात्मक शोध नहीं है। तो देखिए जो बोल रहा है सहसंबंधात्मक, इसका जो आंसर होगा वो होगा विकासात्मक अध्ययन। विकासात्मक अध्ययन शोध कार्य विवरणात्मक शोध नहीं है, तो जो विकासात्मक अध्ययन है वो शोध कार्य नहीं है, ठीक है। बाकी सहसंबंधात्मक, उसके बाद सर्वेक्षण, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम के विकास में उद्देश्यों के निर्धारक क्या क्या है, ठीक है। पहला, संबंधित स्तर के व्यक्तियों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, समाज की आर्थिक आवश्यकताएं, पाठ्यक्रम विकास के समय प्रमुख क्षेत्र, शिक्षा के माध्यमिक स्तर के राष्ट्रीय उद्देश्य। तो यहाँ कूट का मिलान करना है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1, 2 और 4 होगा, यानी संबंधित स्तर के व्यक्तियों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, समाज की आर्थिक आवश्यकताएं और शिक्षा के माध्यमिक स्तर के राष्ट्रीय उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी सामर्थ्य अनुसार सीखना किसका विशेष लक्षण है। तो देखिए सीखना बोला अध्यापक केंद्रित, कार्यक्रमबद्ध शिक्षा विधि, शिक्षार्थी केंद्रित विधि या गति विधि केंद्रित विधि। तो इसका जो आंसर होगा होगा कार्यक्रमबद्ध शिक्षा विधि, अपनी सामर्थ्य अनुसार सीखना कार्यक्रमबद्ध शिक्षा विधि विधि है का लक्षण है। लागत लाभ विश्लेषण है, लागत लाभ किसका विश्लेषण है। देखिए लागत लाभ जो है उपागम, किसका लागत लाभ उपागम का विश्लेषण है। बच्चों की बुद्धि को मापने की आवश्यकता किस कारणवश हुई, मंद गति से सीखने वालों को सहायतार्थ। तो जो मंद गति से सीखते हैं उसकी सहायता करने के लिए बुद्धि को मापने की आवश्यकता हुई थी। नेक्स्ट है, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक के लिए सहायक होता है, ठीक है। शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों के प्रति निर्णय लेने में, विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्यों को लिखने में, सही शैक्षणिक उपागम के चयन में या सही मूल्यांकन विधियों को बनाने में। तो इसका आंसर जो होगा होगा सही शैक्षणिक उपागम के चयन में, ठीक है। शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अध्यापक के लिए सहायक होता है सही शैक्षिक उपागम के चयन में। उस बालक को जो संख्याओं को गलत पढ़ता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अयोग्यता होगी, देह माध्य पठन और जीर्ण या गणन दोष। देखिए उस बालक को जो संख्या को अगर गलत पढ़ रहा है किसी संख्या को, तो वो अजीर्ण दोष है। कैसा दोष है, अजीर्ण। अगर कोई बालक संख्या को गलत पढ़ता है तो वो अजीर्ण दोष में आता है। कुछ नियमों के आधार पर नगों को अंकों द्वारा चिन्हित करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहेंगे, मापन कहेंगे, क्या कहेंगे, मापन। सन 2011 की जनसंख्यिकी के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर किसके लगभग है, तो किसके लगभग है, 74%, 74। सन 2011 के जनसंख्यिकी के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर 74% है। एक कम अनुभवी शिक्षार्थी एक निपुण व्यक्ति के अधीन ज्ञान और कौशल को अर्जित करता है, यह अवधारणा है, ये किसका है, संरचनावाद, मंच बाधना, स्थलीय अधिगम या संज्ञानात्मक प्रशिक्षु।
इस प्रश्न का उत्तर फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके बताइएगा। अगर एक कम अनुभवी शिक्षार्थी एक निपुण व्यक्ति के अधीन ज्ञान और कौशल को अर्जित करता है तो यह अवधारणा कैसा होगा, संरचनावाद, मंचवादना, स्थलीय अधिगम या संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, तो इसको आप कमेंट के जरिए बताइएगा, मैं कमेंट में इसका आंसर आपको बता दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतन अहम को किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कारकों के रूप में जाना, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, जुंग। चेतन अहम को जुंग मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के कारकों के रूप में जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से तथ्य मार्गदर्शक की साधन संपन्नता को बढ़ाते हैं, पहला है विद्वता एवं अभिगम्यता, शिक्षा अर्हता एवं समय पालन, सुनने का कौशल एवं मुख पठन, तदनुभूति, तो इसका आंसर होगा 3 और 4, ठीक है। कौन सा तथ्य मार्गदर्शन की साधन संपन्नता को बढ़ाते हैं, तो सुनने का कौशल एवं मुख पठन और तदनुभूति, ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी पैदा करने वाली शिक्षा निम्नलिखित का उदाहरण है, सामान्य सामाजिक परिवर्तन, विवरणात्मक सामाजिक परिवर्तन या अपक्रियात्मक सामाजिक परिवर्तन, तो बेरोजगारी पैदा करने वाली शिक्षा अपक्रियात्मक सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण है, किसका है, अपक्रियात्मक सामाजिक परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय जो है सन 1982 ईस्वी में आरंभ किया गया था, भारत में मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष 1982 ईस्वी में, समग्र शिक्षा से अभियान अभिप्राय है, समग्र शिक्षा से क्या अभिप्राय है, नियोग्य तथा सामान्य विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा के अवसर, क्या है, नियोग्य तथा सामान्य विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा के अवसर, प्राथमिक कक्षाओं में पठन अक्षमता द्वारा असुरक्षा की भावना का विकास होता है, क्या होता है, असुरक्षा की भावना का विकास होता है, प्रयोगात्मक शोध करते हुए शोधकर्ता को कंट्रोल करना चाहिए, क्या, स्वतंत्र चरों को, आश्रित चरों को, किन्हीं चरों को नहीं, बाह्य चरों को, तो इसका आंसर होगा किन्हीं चरों को नहीं, प्रयोगात्मक शोध करते हुए शोधकर्ता को ना तो स्वतंत्र चर और ना तो आश्रित चर, दोनों में से किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के अनुपस्थित होने से आंतरिक वैधता कम हो जाती है, ठीक है, तो ऐतिहासिक विधि से, प्रयोगात्मक विधि से, विवरणात्मक विधि से या दार्शनिक विधि से, तो देखिए व्यक्ति के अनुपस्थित होने से आंतरिक वैधता कम हो जाती है, इसका आंसर क्या होगा, विवरणात्मक विधि से, ठीक है, यानी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए क्या दिशा निर्देश है, वर्ष प्रति वर्ष विषय वस्तु का विवरण, स्थान स्थान पर विषय वस्तु का विवरण, विषय वस्तु के विस्तार का रैखिक और समीपिक रूप, विषय वस्तु की महत्व वार मात्रा, ठीक है, और यहाँ दिया हुआ है कूट, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, यानी विषय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को व्यवस्थित करने के लिए वर्ष प्रतिवर्ष विषय वस्तु का विवरण और स्थान स्थान पर विषय वस्तु का विवरण, ये दोनों ही हो दिशा निर्देश हो लगेगा। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, एक गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन ने नींद को एक नेक अत्याचारी के रूप में वर्णित किया है, नींद के ऊपर में है, ठीक है, तो इस गद्यांश से जो 5 क्वेश्चन होंगे 71 से 75 तक का वो उसी से हैं।
जैसे देख लीजिए जो पैसेज है उस पैसेज को आपको पढ़ना है एंड गो थ्रू करने के बाद उसी से आपको रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे देखिए, नींद को नेक अत्याचारी कहा गया है क्योंकि नींद से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता, सभी व्यक्ति को सोना पड़ता है। सोने के लिए हमें क्या होता है, आरामदेह वातावरण चाहिए। नींद के घंटों का वितरण सीमा में कुछ लचक रहती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह वो ये 5 क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ क्योंकि ये पैसेज से और पैसेज चेंज हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, करा ही देती हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो अधिकतम जाग सकता है, ठीक है, उन घंटों की सीमा क्या, अधिकतम कितना। तो एक व्यक्ति अधिकतम जो है कितना जाग सकता है, 72, 72 घंटे। नेक अत्याचारी का किससे संबंध है, तो देखिए अभी ऊपर लाइन में मैंने पढ़ी थी मैं, तो नींद से है, किससे है, बी, नींद से। नींद और शिक्षा को परस्पर घोर शत्रु बताया गया है क्योंकि, क्योंकि इसका आंसर देखिए डी होगा। यहाँ साफ नहीं है पीडीएफ, क्योंकि ये दोनों ही दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, इस गद्यांश के लिए एक दूसरा शीर्षक बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, तो इसका डी होगा, नींद और शिक्षा, नींद और शिक्षा का घोर शत्रु। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर वीडियो।